सब्सक्राइब कीजिए कोलकाता क्रिएटिव यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्पलीफायर रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज इंद्रनील, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कोलकाता क्रिएटिव। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले एक 7-9 पावर 4 का सबवूफर एम्पलीफायर का पूरा रिव्यू टेस्टिंग करके दिखा था, जो ओनली फॉर सबवूफर के लिए बना है। तो आज इस बोर्ड से मैं एक फुल कंप्लीट एम्पलीफायर बनाऊंगा, ये ऑर्डर के लिए आया है मेरे पास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बना के दिखा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसी वीडियो में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो आप लोगों को चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा 7-9 पावर का वाला बोर्ड जो मैंने आप लोगों को पहले एक वीडियो में टेस्टिंग करके रिव्यू करके दिखाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर जाके देख सकते। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो बोर्ड। तो आज इस बोर्ड को इस वाले कैबिनेट के अंदर पूरा फिट करेंगे। देख लेते हैं एक वाला कैबिनेट, इसका कैबिनेट का जो नंबर है देखिए 7191। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ ये वाला जो वॉल्यूम है वही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बेस्ट भी नहीं रहेगा। जो मॉड्यूल का जगह है यहाँ पे हमने ऑक्स का जो इनपुट है वहाँ पे यहाँ पे जगह दे देंगे। चलिए आपको अंदर दिखाते हैं, अंदर हमने कुछ कुछ काम करके रखा है। जैसे आप देख सकते हो, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये 24024 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे 24024 20020 सब कुछ मिल जाएगा। नीचे 15015 भी है। इस तरफ पे आप अगर देखेंगे तो देखिए 220 एसी इनपुट का जो लाइन है वो यहाँ पे जो नॉब ये था उसके साथ कनेक्ट हो गया है। ठीक है, ये देखिए, यह रहा हमारा 24024 का 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर। यहाँ पे 12012 भी आप ले सकते हो, पर इसमें सिर्फ हम 24024 यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ओनली फॉर सबवूफर के लिए बनाया जा रहा है। तो इसके लिए पावर बोर्ड भी आपको लगेगा। तो ये रहा हमारा पावर बोर्ड, ये देखिए, इसमें 6 से 4 4 डायोड और एक 2 पीस 4700 63 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया गया है। यहाँ पे एसी 24024 इनपुट होगा और डीसी प्लस माइनस ग्राउंड वोल्टेज आउटपुट होगी। फ्रेंड्स, हम बोर्ड इस पावर वाले बोर्ड को यहाँ पे बिठाएंगे इस जगह पे। यहाँ पे हमने होल्ड करके रखा है, देखिए ये ट्रांसफार्मर भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है होल्ड करके। और ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को हम यहाँ पे ऐसे फिट करेंगे, एकदम ऐसे। ठीक है, इससे हमारा जो बॉक्स है पूरा बॉक्स के अंदर ये पूरा सिस्टम सही से बैठ जाएगा। फ्रेंड्स, हमने देखिए कुछ कुछ कनेक्शन जो कर दिए थे वो बता देते हैं। यहाँ पे हमने स्पीकर कनेक्टर भी लगा दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीकर कनेक्टर, और जो दो वायर लेके हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है एकदम। यहाँ पे ब्लैक में ब्लैक और रेड में रेड, जो हम स्पीकर कनेक्टर का जो आउटपुट है इस बोर्ड के यहाँ पे लगा देंगे। और यहाँ पे हम और एक चीज़ सबको दिखाते हैं, ये देखिए, और जो ऑक्स का इनपुट है वो हम यहाँ पे लगाएंगे इस वाली जगह पे, जहाँ पे हमारा मॉड्यूल लगा हुआ था, लगता है हम वहाँ पे ये लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक वॉल्यूम नॉब भी हम लगाएंगे जो हमारे पास है, तो आपको दिखाते हैं। चलिए, तो आपको ये वाला बोर्ड और ये दोनों बोर्ड फिक्स करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने पावर का जो बोर्ड है और एम्पलीफायर का जो बोर्ड है वो हमने कैबिनेट के साथ कनेक्ट पूरा अटैचमेंट कर दिया है। देखते ही अभी अच्छे से फिक्स हो गया है ये। ठीक है, तो चलिए हम ट्रांसफार्मर का जो लाइन है वो मेन पावर बोर्ड के साथ जोड़ लेते हैं। तो आपको ये कनेक्शन मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है ए ग्राउंड जीरो, आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है जीरो। तो हमने जो ब्लैक वाला है हमारा यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे हम। तो चलिए हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, देखिए हमने जीरो को जीरो में कनेक्ट कर दिया है। और ये वाला जो है ये हम 24 में कनेक्ट करेंगे, जो 24 वोल्ट आउटपुट दिखा रही है यहाँ पे, तो इस जगह पे हम कनेक्ट कर देंगे। चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया है, और इसको भी हम यहाँ पे जोड़ देंगे। 24024 का जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट था वो मेन पावर बोर्ड के साथ कनेक्ट हो गया है। ये देखिए 24024 मेन पावर के बोर्ड के साथ जुड़ गया है। और फ्रेंड्स, ये जो कनेक्शन है वो ये डीसी होके आ रहा है जो मेन पावर बोर्ड, ये जो है ये ग्राउंड का है, ये है माइनस का। और यहाँ पे देखिए हमने एक नट बन दिया है, तो ये हमारा ये है कि ये प्लस है, तो हमें समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस लिखा है बोर्ड में भी, तो क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ग्राउंड जीरो, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। तो ये वाला हमने प्लस इसके लिए कर दिया है कि हमें समझने में आसानी होगी, अगर कोई भी इसके बाद ये बोर्ड मशीन खोलेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि प्लस का कनेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसके कनेक्शन मेन बोर्ड के साथ भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे इसका जो प्लस वाला कनेक्शन है, जो नट हमने बनना है ये प्लस है। तो आपको बोर्ड में भी ये यहाँ पे प्लस दिख रहा होगा, ये कैपेसिटर के इस तरफ का ये जो है ये प्लस है, ये जो लाइन जा रहा है ये प्लस है। आपको अगर बोर्ड को भी देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है वी प्लस, ये देखिए लिखा हुआ है वी प्लस, देखिए छोटा सा जो है यहाँ पे, तो इसके मतलब ये जो फॉन्ट सामने का है ये वाला प्लस है। हम इसको यहाँ पे ऐसे अटका के यहाँ पे हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे बोर्ड के साथ। तो चलिए हम उसको सोल्डरिंग करके दिखाते हैं। चलिए
जो ग्राउंड का है, हम जो माइनस जो जीरो है ग्राउंड जो बोलते हैं, उसको हम एकदम मिडिल में इसके साथ जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पावर का जो कनेक्शन है प्लस माइनस ग्राउंड और ट्रांसफार्मर का, वो हमने कर दिया है, को दिख रहा होगा पूरा कंप्लीट हो गया पे। तो चलिए हम इस ऑक्स कनेक्टर को, ऑक्स का जो कनेक्टर है जो हमने बनाया, तो हमने यहाँ पे फिक्स करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने जो ऑक्स का कनेक्टर है आपको बता देते हैं, ऑडियो इन के लिए जो हम यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे लगा दिए। इसका कनेक्शन भी हमने कर दिया, आपको दिखाते हैं। ये देखिए प्लस माइनस ग्राउंड, और यहाँ पे जो ऑडियो इन का जगह था इधर हमने दे दिया, ऑडियो इन डायरेक्ट हो गया। यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लगाना है, तो पोटेंशियोमीटर हम यहाँ पे लगा देंगे, लगा के आपको इसका कनेक्शन करके दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका जो पोटेंशियोमीटर था वो भी हमने लगा लिया है यहाँ से, जो जिसमें जो बेस्ट टेबल बेस्ट को जो है ना कम ज़्यादा करने में काम आएगी। इसका जो पिकर स्पीकर का कनेक्शन है वो हमने यहाँ पे लगा दिया, तो देखिए ये जो वायर है यहाँ पे स्पीकर में कनेक्शन हो गया है, देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम अभी पूरा इसके ऊपर का ढकना ढक के इसको टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, टेस्टिंग करके कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये पावर का स्विच है, यहाँ पे जो मेन लीड है ये देख सकते हो आप लोग, ये देखिए ये भी हमने लगा लिया है यहाँ पे, ये वायर आ गया है आके यहाँ पे स्विच से, यहाँ पे जाके ट्रांसफार्मर के साथ जो एसी इनपुट है वहाँ पे लग गया है। हमने हर जगह पे टेप लगा दिया क्योंकि कनेक्शन कहीं पे भी खुल ये हो गया तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगी, तो यहाँ पे हमने टेप लगा लिया देख सकते हो। तो चलिए हम इसको ये करके उसके बाद टाई क्लिप लगा के इसको फिक्स कर देंगे, अच्छे से ज़्यादा देखने लगेगा। चलिए आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। फिर हमारा एम्पलीफायर पूरा कम्प्लीट हो गया, तो यहाँ पे हम जो वॉल्यूम नॉब है वहाँ पे ऐसा ये लगा लेंगे, सॉरी ये वाला ये लगा लेंगे यहाँ पे, जिससे हम लोगों को जो हम लोग जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो एक ये हो जाएगी कि हाँ ये कम ज़्यादा हो रहा है। देखिए लगा लिया हमने, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आपको हम इसको पूरे इसके ऊपर का जो ढकना है वो लगा लेते हैं, बस इसको कम्प्लीट कर लेते हैं, और यहाँ पर टाई क्लिप लगा के थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देते हैं, जिससे देखने में आसानी होगी, तार फैला हुआ नहीं लगेगा। तो चलिए वो दिखाते हैं, हमने देखिए टेबल ऑर्गेनाइज कर दिया टाई क्लिप की मदद से, कितना अच्छे से लग रहा है, अच्छा लग रहा है अंदर देखने में। तो चलिए इसके ऊपर का जो ढकना है वो लगा के हम इसको पूरा कंप्लीट बना के आपको इसको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको इसको टेस्ट करके दिखा था, तो फिर भी एक बार पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद एक बार टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं अभी इसको लगा। फ्रेंड्स, हमने सेटअप कर लिया है, ये हमारा स्पीकर है, ठीक है, हमारा मशीन ऊपर ब्लूटूथ लगा लिया, हमने ब्लूटूथ कनेक्ट भी हो गया इसके साथ। चलिए आपको इसका साउंड टेस्टिंग करके सुना देते हैं। चलिए हमने प्ले कर दिया है, तो चलिए वॉल्यूम का आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर उठाएंगे। ये ओनली फॉर सब ऊपर है, तो सभी सब ऊपर का ही साउंड आएगा, आप देख सकते हैं इनका हिल रहा है। फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों को एक 7294 का जो बोर्ड का मैंने रिव्यू करके टेस्टिंग करके दिया, तो उसका पूरा कंप्लीट एम्पलीफायर भी बना के दिखाया आपको। अगर आपको ये बोर्ड चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो। और फ्रेंड्स, बहुत सारे बंदे ने मुझको कमेंट्स किया है कि आपका नंबर चाहिए, तो मैं आज मेरी वीडियो में नंबर दे दूँगा, ठीक है। वो जो नंबर आपका है वीडियो में शो होगा आपको, ठीक है, आप वहाँ से नंबर लेके मुझको कॉल कर सकते हो, आपको जो भी बोर्ड चाहिए आपको मेरी तरफ से मिल जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए, और मेरी वीडियो को पूरा देखते रहिए, ऐसे ही मुझको सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल में नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे एम्पलीफायर के ऊपर वीडियो डाल रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए।